अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था, तो लॉकडाउन की वजह से मार्केट वगैरह बंद थी और जो है कुछ शॉर्ट टाइम के लिए खुल रही थी। तो हमने सोचा कि आज फैमिली आउटिंग हो जाए, तो मैं अपनी फैमिली के साथ जो है वो डॉल्फिन मॉल की तरफ जा रही हूँ, और वहाँ पहुँच के आपको बताती हूँ कि हमने वहाँ क्या क्या किया। अभी तो हम रास्ते में हैं और फिर मैं आपको पहुँच के बताऊँगी डॉल्फिन मॉल में हमने क्या किया। और जैसे कि हम डॉल्फिन मॉल पहुँच चुके हैं और हमने डिसाइड किया कि हम अपनी गाड़ी जो है वो पार्किंग लॉट में पार्क करेंगे। तो हम नीचे बेसमेंट में जा रहे हैं ताकि हम अपनी गाड़ी को पार्क करें, और फिर मैं आपको आगे बताती हूँ हम क्या करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डॉल्फिन मॉल में भी स्ट्रिक्टली SOPs वगैरह फॉलो हो रहे हैं। सब गार्ड्स और सब एम्प्लॉयज़ इनके मास्क पहने हुए, और हमें भी इन्होंने पास के बगैर इंटर होने नहीं दिया। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे SOPs वगैरह फॉलो की जा रही हैं कि नहीं, ये सब मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में, मेरे साथ रहिएगा। अब हम डॉल्फिन मॉल के अंदर जा रहे हैं बेसमेंट की तरफ से, और इन लोगों ने हमारा टेम्परेचर चेक किया और हमें वॉक थ्रू गेट से हम इंटर हुए। अब हमने यहाँ पे लिफ्ट से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, और आप ये देख सकते हैं कि डॉल्फिन का पूरा मैप दिया हुआ था कि कौन सी शॉप आपको किस जगह मिल जाएगी। आप ये देख सकते हैं कि लिफ्ट के अंदर भी सेफ्टी मेजर्स के मार्क्स मौजूद थे कि आपने किस जगह कहाँ 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 खड़ा होना है, क्या सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े होना है। एक लिफ्ट में 4 बंदों से ज़्यादा एक वक्त में नहीं जा सकते, और आप सेफ्टी मेजर्स देख सकते हैं कि उन्होंने मार्क बनाए हुए बाकायदा कि आपने किस तरह खड़े होना है। अभी इस वक्त हम सेकंड फ्लोर पे हैं, हमें जाना है 4th फ्लोर पे। तो चलें आगे देखते हैं। 4th फ्लोर पे हम पहुंच चुके हैं। 4th फ्लोर पे बेसिकली डॉल्फिन का फूड कोर्ट है, और आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे भी सेफ्टी मेजर बाकायदगी से फॉलो हो रहे हैं। इन्होंने हर जगह अपनी मार्किंग की हुई है कि एक कस्टमर को दूसरे कस्टमर से कितना फिट दूर रह के खड़ा होना है, यानी इन्होंने बाकायदा बताया हुआ है कि 3 फिट की दूरी हमें रखनी है। ब्रॉडवे, मैकडोनल्ड्स सब जो है वो SOPs को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं। फाइनली मारुख ने सोच लिया है कहाँ से लेगी और क्या चीज़ लेगी, तो आइए चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ उस जगह जहाँ से मारुख अपनी चीज़ ले रही है। और मारुख ने अपना ऑर्डर दिया है KFC पर, और आप देख सकते हैं कि बाकायदगी से सब जो है वो मास्क वेयर किए हुए हैं, और मारुख का ऑर्डर बिल्कुल तैयार हो चुका है और ये कलेक्शन पर खड़ी हुई है। मारुख ने अपना जो ऑर्डर प्लेस किया है वो जिंगर बर्गर का प्लेस किया है। मारुख का ऑर्डर बिल्कुल रेडी है, सब एम्प्लॉयज़ ने हाथों पे ग्लव्स भी वेयर किए हुए हैं, और अब मारुख अपना ऑर्डर लेके टेबल की तरफ जा रही है। अब मारुख अपना दूसरा ऑर्डर कलेक्ट करने जा रही है, जो कि उसने प्लेस किया है जूस आइसलैंड से, और ऑर्डर मारुख का है डुप्पा चाट। मारुख को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मारुख का जो ऑर्डर है वो बस तैयार होने ही वाला है। मारुख अब अपना दूसरा ऑर्डर लेके टेबल की तरफ जा रही है, और जो मेरे सामने इस वक्त मौजूद है गप्पा चाट, मैं आप लोग को इसको टेस्ट करके बताऊंगी कि ये चाट कैसी है। हमने गप्पे को अच्छे से तोड़ के चाट में मिला लिया ताकि खाने में हमें आसानी हो, और मैं आपको बताती हूँ इसका टेस्ट कैसा है। बहुत ही मज़े की चाट है, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। और फिर बच्चों ने जाके सिंदबाद से राइड वगैरह ली, और फिर हमने सोचा कि अब हमें घर चलना चाहिए, तो फिर हम जो है लिफ्ट में चले गए ताकि हम उससे बेसमेंट में जा सकें, क्योंकि हमारी जो कार है वो पार्किंग लॉट में पार्क थी। तो अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं।
पार्किंग लॉट में भी अच्छे से मार्किंग हुई भी है कि आपने 3 फीट की दूरी से खड़े होने, ताकि ये वन बाय वन आपका टेम्परेचर चेक करके आपको मॉल में एंटर होने दें, क्योंकि मॉल में बहुत स्ट्रिक्टली SOPs फॉलो हो रहे हैं। और ये अच्छा भी है कि हमारी सेफ्टी के लिए भी और आपकी सेफ्टी के लिए SOPs को फॉलो करना हम लोगों के लिए ज़्यादा बेटर है। हम डॉलमेन से बाहर जा रहे हैं घर की तरफ, लेकिन रास्ते में हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब हम लोग घर नहीं, उससे पहले हम अपने मामू की तरफ जाएंगे, फिर देन हम घर आएंगे। कोरोना की वजह से कुछ माह पहले जो लॉकडाउन लगा था, जिसकी वजह से रोडों पर काफ़ी सन्नाटा था, और अब जब से लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तो रोडों पे रश है, ट्रैफिक है काफ़ी, और सबको चाहिए कि सेफ्टी पहले अपनी करें, मास्क वेयर करें जब भी बाहर जाएं, क्योंकि आपके लिए आपकी सेहत पहले है। और जैसे कि आप मेरे राइट साइड पे देख सकते हैं कि गोलगप्पे के ठेले वगैरह हैं, और ये जो कराची की रौनक है ना, ये इनकी अलग ही बात है। और इन सब को मैंने बहुत मिस किया इन गुज़िश्ता महीनों में, और अल्लाह का शुक्र है अब जो जो कोरोना में काफ़ी कमी आने की वजह से जो है लॉकडाउन हटा दिया गया है। और हमें भी चाहिए कि हम भी SOPs वगैरह को सही से प्रॉपर फॉलो करें, ताकि ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो सके। आप मेरे लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं शादी हॉल्स वगैरह मौजूद हैं, और जैसे कि आपको पता है कि अब शादी हॉल वालों को भी इजाज़त नहीं सकती कि वो अपने हॉल्स खोल सकते हैं, लेकिन खुद अगर SOPs को फॉलो करेंगे तो उनके लिए भी ज़्यादा अच्छा होगा और हम सबके लिए भी ज़्यादा अच्छा होगा। हम सबको भी चाहिए कि हम सब प्रॉपर SOPs को फॉलो करें, कहीं बाहर जाएं तो प्रॉपर मास्क वेयर करें और हाथों को सैनिटाइज करें, और घर में अगर मौजूद हो या कहीं ऐसी जगह मौजूद हो तो सैनिटाइज से बेहतर मैं समझती हूँ कि अपने हाथों को पानी से वॉश करें, साबुन का इस्तेमाल 20 सेकंड तक करें। अगर हम SOPs को फॉलो करेंगे तो हमें देख के दूसरे भी फॉलो करेंगे, और अगर हम चाहते हैं कि ये बीमारी हमारे मुल्क से ख़त्म हो जाए, बल्कि हमारे मुल्क से क्या पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए, तो हमें एहतियात करनी होगी और हमें सारी SOPs को फॉलो करना होगा। आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। मुझे आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ शेयर करके कि आज सारे दिन में हम लोगों ने क्या किया अपनी फैमिली के साथ, और मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा आप लोगों से शेयर करके। और आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ कहाँ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी। अपनी दुआ में मुझे बहुत याद रखिएगा, मेरी फैमिली को याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, और जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।